पाकिस्तानी दुल्हन 21 साल जावेरिया खानम अज 45 दिन के वीजे से भारत पहुंची है। तो जावेरिया खानम अटारी वाघा सरहद के राही भारत के दाखिल हुई है। इस मौके जावेरिया खानम के मंगेतर समीर खान के वलों पूरा पंजाबी सभ्याचार के नाल ढोल लैके वाघा बॉर्डर से पहुंचे ने। तो जिथे पंजाबी सभ्याचार दर्शाते हुए ढोल की थाप से लड़किया के वलों बोलियां भी पाई गई, गिद्धा भी पाया गया। तो पंजाबी अंदाज दे विच उन्हां दा स्वागत किया गया। दस दिए कि समीर अपने पूरे परिवार के नाल अपनी मंगेतर नूं लैण दे लई अटारी सरहद ते पहुंचे ने। दस दिए कि जावेरिया खानम अते समीर दोवां दी मुलाकात दी पहली तस्वीर जिहड़ी है उह सामने आई है। तो चेहरे ते उन्हां दी खुशी साफ देखी जा रही है। ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੁਲਹਨ ਜਾਵੇਰੀਆ। ਢੋਲ ਧਮਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਵੇਰੀਆ ਖਾਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗੇਤਰ ਸਮੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਵੇਰੀਆ ਭਾਰਤ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। तस्वीरों के देख सकते हो किस तरह टोल टमकिया ते नगाड़े वजा के उन्हों का स्वागत किया गया है। अमृतसर दी तस्वीर दिखा रही हूँ अटारी सरहद ते जिथे जावेरिया का निघा स्वागत किया गया है उन्होंने मंगेतर ते उन्होंने परिवार के वलों पूरे पंजाबी सभ्याचारक दे विच कुड़ियां दे वलों बोलियां पाई गई ने ते गिद्धा पाया गया है। इस दे नाल ही टोल टमकिया दे नाल उन्हों का स्वागत किया गया। दस दिए कि 45 दिन के वीजे ते वह पाकिस्तानी दुल्हन जावेरिया भारत दे विच पहुंची है ते विआह रचाउण दे लई उह भारत आई है। इस तों पहलां उन्हां दी मंगनी हो चुकी सी ते हुण विआह दे वास्ते भारत पहुंची है। दस दिए कि जनवरी दे पहले हफ्ते दे विच समीर अते जावेरिया दा विआह होवेगा। यहाँ पे आ गई हूँ मैं, यकीन नहीं आ रहा मुझे, बस बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पे आके ही, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन कितना साल इंतजार करना पड़ा? पांच साल के बाद, 5.5 साल के बाद अब हमें जाके मुझे वीजा मिला है तो मैं आ सकी हूँ यहाँ पे। कितने दिन का वीजा मिला? 45 दिन। जितनी दुआ किया कबूल होगी सारी दुआ? बिल्कुल बिल्कुल। वीजा आपका पहले भी रिजेक्ट हुआ? 2 दफा तो खाली पासपोर्ट वगैरह आ गए थे वापस। तो शादी कब करे आप? अभी बस अगले साल के शुरू में, पहले हफ्ते जनवरी की कलकत्ते में शादी हो रही है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी कलकत्ते में शादी हो रही है। और क्या जैसे इंडिया में आना एक सपना है, उसके बारे में क्या? माइक नीचे कर लो यार। जी सपना पूरा हो गया। जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके लिए और ये जैसे खुशी यहाँ पे भी है, पूरा परिवार पूरा झूम रहा है ढोल पे, तो वहाँ पे कितनी खुशी थी? सब बहुत खुश है। इंडिया के लिए रवाना हो रहे थे, घर में कैसा माहौल था? खुश भी थे, उदास भी थे। हम कह सकते कि जैसे विदा करते हैं बेटी को तो वैसा माहौल था। भाभी गवर्नमेंट के पीछे हो सकता है, और दोनों कंट्री ऐसी हैं कि अगर साथ मिलकर चले दोनों कंट्री को बहुत फायदा है। शादी के बाद हमको यहाँ रखना चाहेंगे, गवर्नमेंट को रहेंगे, वीजा उनका बढ़ाया है। जी जी, शादी के बाद मैं इनको कलकत्ते में ही रखना चाहूंगा और कलकत्ते में ही रहूंगा। मेरी पूरी जिंदगी वहीं रही है तो मैं वहीं अपनी जिंदगी आगे बिताऊंगा। दिक्कतें कैसा मिल जुलवा? अरे बहुत दिक्कतें आई। चार साल पहले पसंद की थी ये बहू, मेरी कजिन है मेरे बेटे की, मतलब मेरी बेगम के कजिन की बेटी है ये, तो रिश्तेदारी तो हमारी है ही, तो इसने पसंद की और फिर हमने रिश्ता चलाया और बातचीत करके आगे बढ़े। वीजा एप्लीकेशन करते रहे लगातार, फैमिली का वीजा करते रहे, 2-3 बार अप्लाई हुआ, रिजेक्ट होता रहा होता रहा। लेकिन मैं मानूंगा समीर का सब्र और समीर का पेशेंस कि किस तरह से समीर ने और जावेरिया ने इसका हैंडल किया, और फाइनली भारत सरकार ने जावेरिया को अकेली को वीजा दिया ताकि वो आके अब शादी कर सके। तो ये बहुत बहुत मेहरबानी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो इनकी दिल की बात सुनी। और